जिस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में, मुसलसल महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आवाम अपना इलाज करवाए या अपने बच्चों का पेट पाले, वहीं ये मेडिकल कैंप किसी नेमत से कम नहीं। आइए देखते हैं इस मेडिकल कैंप में कैसा इलाज हो रहा है और लोग कितने मुतमईन हैं। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समझ लें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आके चेक करवाना और फिर उसका ऑपरेशन, उसकी दवाएँ। फिर कुछ अर्से पहले आपको याद होगा चिकनगुनिया का बुखार हुआ था तो बहुत लोग अफेक्ट हुए थे, तो उसके लिए हड्डियों का टेस्ट वगैरह भी हो रहा है, उसकी दवाएं भी फ्री दी जा रही है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कैंप लगाएंगे और एक शिजरकारी मुहिम का भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यकीनन टाउन ऑर्गेनाइजर की मुझे हिदायत है कि अब हमने इस तरफ भी जाना है कि शहर को सरसब्ज़ शादाब बनाना है, हर गली कोने के हम कोशिश करेंगे पौधे लगाएं। एक मतलब एक ऐसे कंडीशन में कि जहाँ पर के लोगों के पास कुछ ना खाने को ना पीने को ना पहनने को ना रहने को से, तो फ्री में सारा जो है ना वो चेकअप किया जा रहा हो, मेडिसिन भी बहुत ही 50% डिडक्शन के ऊपर दी जा रही हो, तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा ह्यूमैनिटी कहीं भी नहीं हो सकती जहाँ पर की दी जा रही है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, सही होना चाहिए, तो हर इलाके में होना चाहिए। फ्री मेडिकल कैंप से महमूदाबाद की आवाम मुस्तफ़िद हो रही है, ऐसे फलाई काम और मज़ीद होना चाहिए। सरफराज अली, वीनस एच डी, कराची।